हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आजकल भाई ने पीछे का नंबर जो टेल टाइडी वाला सेक्शन है वो हटा रखा है, रिमूव कर रखा है। तो बहुत से लोगों ने बोला था हटाओ, तो हटा दिया था। तो उस ब्लॉग में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, ऐसे प्यार दिखाते रहा करो यार, मेरे को भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। ओके, और ये है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हटाने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। उस वाले ब्लॉग में मैं अच्छे से बता नहीं पाया था, आज इसी के ऊपर ब्लॉग होने वाला है। ओके, और अगर आप टेल टाइडी इंस्टॉल कराने वाले हो तो क्या क्या दिक्कत आपको करनी पड़ेगी फेस टेल टाइडी के साथ भी। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें पहले बाइक का वॉक अराउंड देखो, उसके बाद। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लोकेशन चेक मारो कैसी है, उसके बाद अपना भाई यहाँ पर तुषार है, कैसा है मेरे भाई? उसके बाद ये लोकेशन आप देख रहे हो, बहुत से लोग बोलते हैं भाई आगे जाके क्यों नहीं बनाते व्लॉग, सॉरी बोलता है आगे जाके बनाया करो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। और शिवम भाई बोलते हैं हमारी जो बाइक है वो है अटेंशन कैची, तो वो हमें पता है, आई नो ब्रो, बट मैं वहाँ पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि ज़्यादा लोग घूर घूर के देखें हमारी बाइक को। ओके, तो ये अपनी बीस्ट है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो पहले ट्रैफिक को जाने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ बीस्ट अपनी क्या ही लुक है। सो फ्रेंड्स, ये है अपनी बीस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, और पीछे से तो क्या ही लग रही है यार बाइक, मतलब क्या ही बोलें, तुषार भी बैठा हुआ और सामने बाइक भी, मतलब लग रही है। और सुबह सूर्या को दिखाया था, सूर्या बोल रहा भाई ये क्या है, मतलब यार इतनी तगड़ी लग रही है। और आज इस चीज़ का लास्ट व्लॉग होगा, इसी के बारे में सारी डिटेल्स क्लियर कर दूँगा और कल मैं लगा दूँगा इसमें टेल टाइडी वापस अपनी, ठीक है? तो अभी ऐसे कि आप देख रहे हो टायर, ये जो पत्थर है ना, इन पत्थर को निकाल दिया करो यार, क्योंकि ये पत्थर ना पंचर कर देते हैं टायर को, क्योंकि जब तक टायर नया है तो ये पत्थर तो फंसेंगे नए टायर में, सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्रॉड टायर में खास करके। बाकी अपनी टेल सेक्शन आप देख सकते हो कितना साफ़ है हमारा, एकदम चकाचक एकदम साफ। ऊपर से जो टायर है, टायर भी आप देख पा रहे होंगे, टायर के साइड में जो एंगल वो एकदम तगड़े तरीके से साफ़ है। भाई टायर में तभी मज़ा आता है जब टायर चमके। भाई मेरे मानना ये है, सिंपल सी एक मेरी थ्योरी है कि बाइक पुरानी हो कि नहीं हो, पर जब बाइक चमके तो साथ ही साथ टायर भी चमकने चाहिए। तुषार की भी यही थ्योरी मैंने तुषार को भी समझा दी है और आप लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ, बाइक चाहे पुरानी हो, नई हो, छोटी हो, कैसी भी हो, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है बाइक को किस तरीके से रखते हो। और अगर ऊपर ऊपर चमका दोगे, नीचे टायर बेकार रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि टायर ही तो होते हैं जो बाइक के लुक को इनहेंस करते हैं। देखो भाई, तो सर सही बात है कि नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या ही बात है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीछे टेल टाइडी मैंने निकाल दिया, मुझे क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ी। जैसे देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो पीछे की सीट हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात ये है, टायर है ब्रॉड तो सीट हाइट ऊपर है, तो वैसे तो क्या था कि यहाँ पर जो हमारा टेल सेक्शन का जो एक पार्ट था वो पकड़ने का था, ग्रैब हैंडल बोल सकते हो आप उसे, हैंड ग्रैब वगैरह कुछ भी बोल लो, वो निकाल दिया हमने क्योंकि वो उसी के साथ कंबाइन था। अब गाड़ी पीछे से एकदम और किया, अगर देसी भाषा में बोली जाए तो पूरी गाड़ी हो चुकी है पीछे से नंगी, ठीक है? अब भाई देखो, मैंने इसलिए ये वर्ड यूज़ करा क्योंकि कुछ ये है ना, देखो आप पीछे से देख रहे हो एकदम शार्प लुक आ रहा है, कुछ है ही नहीं बचा पीछे पकड़ने वगैरह का। तो पीछे जो बैठेगा, पहले तो दिक्कत होती थी, पहले तो कम्फर्टेबल है नहीं पीछे, बिल्कुल कम्फर्ट नहीं है। ऊपर से अब जब बैठेगा बंदा तो थोड़ा बहुत पकड़ने का भी उसे नहीं मिलेगा, तो वो तो एकदम ही आराम से चलानी पड़ेगी आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा पॉइंट ये, टायर जितना ब्रॉड होगा, जितना ऊपर का सेक्शन होगा उतना जल्दी ये कीचड़, जितनी स्पीड में ये टायर होगा ना उतना ज़्यादा कीचड़ आपको ऊपर ही फेंकेगा। तो जब आप कीचड़ में जाओ तो 5, 6, 7, 8, 10 के अंदर ही रहना, आपकी स्पीड 10 के नीचे होनी चाहिए, तभी आप कीचड़ से बच पाओगे, वरना कीचड़ आपकी गाड़ी में आएगा ही आएगा और बहुत गंदा उछलेगा अगर आप तेज से निकल गए तो। तीसरा पॉइंट है, टायर बड़ा है, अब पीछे से देखने में गाड़ी का लुक तो बढ़िया हो गया है, पर कहीं ना कहीं ये नज़र में भी सबसे पहले आ जा रही है, क्योंकि पुलिस, आप समझ रहे हो ना, अगर आप जाओगे आगे से तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं होगा, पर पीछे से पुलिस देखेगी तो पुलिस पक्का रोकेगी आपको, और अगर भगवान नगर है पुलिस ने रोक लिया तो चालान तो आपका पक्का है, क्योंकि पीछे नंबर प्लेट नहीं है। अब बताता हूँ आपको, इसे हटाने के बाद लुक बढ़िया लगता है मानता हूँ मैं, पर इसका लुक इतना अच्छा और ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी जो पीछे की लाइट है वो डुकाटी इंस्पायर्ड है। ओके, ये चीज़ हो गई। बहुत से लोग बोलते हैं भाई साइलेंसर बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, बहुत चौड़ा है, जो भी है, पर भाई साइलेंसर जो भी है पर इसका लुक जो है मेरे को सब बढ़िया लगता है, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो। और सबकी अलग अलग चॉइस होती है, जितना दूर से देखो ना उतना ज़्यादा लुक अच्छा लगता है, और जितना पास से देखो उतना ज़्यादा खतरनाक लगती है, एकदम मॉन्स्टर लगती है, मॉन्स्टर जिसे कहते हैं ना, मॉन्स्टर, वो वाली वाइब है और पूरी मॉन्स्टर ही है ये।
अब अगर टेल टाइडी आप इंस्टॉल करा रहे हो आफ्टर मार्केट, इसमें अगर आप जो कंपनी फिटेड आती है वो हटा के अगर आप टेल टाइडी निकाल दे हो, टेल टाइडी मतलब अगर आप लगा रहे हो आफ्टर मार्केट, तो कैसी बार लगाना है। फ्लिप टेल टाइडी बिल्कुल भी मत इंस्टॉल करा देना, क्योंकि पुलिस आपको हर जगह रुकेगी और सबसे पहले पुलिस उसे ऊपर नीचे करेगी और उसमें आप दबोच लिए जाओगे। एक टेल टाइडी तेरे पास भी है ना, एक टेल टाइडी तेरे पास भी है तो हाँ, उसने जो वो है तुषार, बस ये मत सोचना कि तुषार कुछ वैसा कुछ चबा रहा है, तुषार चबा रहा है तो जो ठीक है, जैसे तुषार को कोई ये बात बोल देना कि भाई आपका जो दोस्त है वो कुछ और चबा रहा, चबाते चबाते बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टेल टाइडी इंस्टॉल कराओगे तो फ्लिप वाली मत कराना, पहली बात। दूसरी बात है, अगर कराओगे तो इस तरीके से कराना कि जो एकदम विजिबल हो और अच्छी लगे, छोटी मत करा देना। और आपकी जो नंबर प्लेट है वो आपकी कंपनी फिटेड ही होनी चाहिए, कंपनी से जो मिली है वही नंबर प्लेट लगाना, वरना फिर भी आपको पुलिस वाले दबोच लेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मेरी बाइक में पीछे भी नंबर प्लेट नहीं है और आगे मैंने इसे पूरा जेड ब्लैक कलर रखा है और यहाँ पे मैंने चिपका रखी है, इस पे भी चलाना है। पहले आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर जो इसकी नॉर्मल लाइट जो आती है आगे की नंबर प्लेट, उससे मैंने इसलिए हटाया क्योंकि आगे का विजिबल नहीं होता उससे पूरा लुक, और जो लाइट्स हैं लाइट में पड़ते हैं स्क्रैच, और आपको पता है इसकी लाइट कितनी कॉस्टली है, इसलिए मैंने वो हटाया। पर बाकी इस पे भी चलाना है, बाकी जैसी आपकी बातचीत रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस आपको छोड़ती है या नहीं छोड़ती। ओके, तो पीछे अगर नंबर प्लेट लगाओगे तो कंपनी फिटेड लगाना जिसमें इंडिया लिखा हुआ हो, ओके, जो आपको बिल्कुल RTO से परमिट करी गई हो वही लगाना। अब नंबर प्लेट भी आपने लगा दी तो भी आप कीचड़ से नहीं बच सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कीचड़ तो आप पे पड़ना ही पड़ना है। और अगर आप चाहो तो वो लगा सकते हो जो मड फ्लैप है, मड फ्लैप लगाने के बाद मेरा मानना है खुद का कि मड फ्लैप लगा के इतना जो इसका लुक है वो इन्हेंस नहीं हो पाता जो इस समय है जो उभर के आ रहा है। ओके, तो ये बातचीत थी, बाकी आप लोगों को पता ही है गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं करती, पर हाँ मैं ये बोलूँगा कि जब आप छेड़खानी करोगे तो इस चीज़ पे छेड़खानी बिल्कुल मत करना, ये जिस पे मैंने उंगली करी है चेन सेट वगैरह पे, क्योंकि इससे पूरी गाड़ी का अलाइनमेंट वगैरह चेन सेट जो भी है पूरा इसका अलग अलग पूरा मैटर हो जाता है, इसलिए ये मत करना। बाकी आपको जो छेड़खानी करो, सबको भाई अपनी बाइक को अच्छा दिखाना है, अपनी बाइक को इन्हेंस करना है, और मेरा मानना भी यही है कि मैं अपनी बाइक को जितना अच्छा रखूँगा उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को नॉलेज दे पाऊँगा और उतना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाओगे। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें थी, आई होप आप लोग समझ में आ गई होगी, आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और एक और दिक्कत तो मुझे लगी है, तो आप देख रहे हो जैसे कि स्कूटी भी कितनी तेज जा रही है यहाँ से, तो यार इतना तेज मत चलाओ, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा यार, हेलमेट वगैरह पहन लिया करो, मत चलाया करो, फिर बोल रहा हूँ। ओके, और जैसे ये TVS पावर का जो स्पीकर है मैं पीछे भी लगा दूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर पीछे वाला टायर में मैंने लगा दिया तो लुक अच्छा आएगा या नहीं आएगा, बाकी आप कमेंट करके बोल देना। बाकी मुझे दिक्कत जो हो रही है, बाइक मेरी वही आवाज़ नहीं कर रही है क्योंकि जो पहले थी फर्स्ट सर्विस पे थोड़ी बहुत आवाज़ कर रही थी, इसकी फेयरिंग सेकंड सर्विस पे सब कुछ बढ़िया हो गया। TVS जो ये वाला मड गार्ड है ना, मड गार्ड के पीछे भी एक मड फ्लैप है, वो आवाज़ करता है टक 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 करके कभी कभार जब मैं गड्ढे पे जाती है। बाकी तो इसके सस्पेंशन बहुत तगड़े हैं, चाहे आगे के हो पीछे के हो कोई दिक्कत नहीं होती, स्टिफ नहीं है बिल्कुल भी। बस एक चीज़ जो मुझे बुरी लगती है TVS Apache RR 310 में, वो है इसका सीट कम्फर्ट नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है, सीट कम्फर्ट होना यार तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। It's so cold.